हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल्टर ट्यूटोरियल्स और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज, ये हमारी सीएसएस की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस की एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है विड्थ। तो गाइज, देखते हैं विड्थ क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसको कैसे लगाते हैं। आइए जानते हैं इस ट्यूटोरियल में। वेलकम बैक। तो गाइज, विड्थ के तो नाम से ही पता चल रहा है, विड्थ मीन्स चौड़ाई और हम इसको टेक्निकली लैंग्वेज में कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज। तो कोई भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टली जितनी जगह घेरता है हमारे ब्राउजर विंडो में, वो उस एलिमेंट की विड्थ कहलाती है। और इसमें ये भी आप समझ लें कि एलिमेंट की जो विड्थ होती है वो खाली कंटेंट की विड्थ होती है, कंटेंट जो होता है लिखा हुआ उसकी विड्थ होती है। अगर हम उसमें पैडिंग, बॉर्डर या मार्जिन की बात करें तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। जो पैडिंग है और बॉर्डर और मार्जिन जो है ये अलग से अपना साइज लेते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, कंटेंट उस एलिमेंट के अंदर, उसकी विड्थ हम डिसाइड करते हैं। अगर आपको पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था सीएसएस बॉक्स मॉडल, उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए हम इसको और डिटेल में समझने के लिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो गाइस, मैंने ये एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसके अंदर मैंने एक CSS को लिंक किया हुआ है, style.css, वो देखिए यहाँ पर है ये। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और देखिए हम इसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पर देखेंगे गूगल क्रोम में। तो गाइज, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एक बॉडी के अंदर मैंने डिविजन बना ली मैन नाम से, तो मैं डिव बना लेता हूँ डिव, और क्लास मैंने दे दी उसकी मैन। मैं इस एनकोडिंग से लिख रहा हूँ, मैंने टैब दबाया और देखो यहाँ पर मैं इस डिवीजन को बंद कर देता हूँ शिफ्ट कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाकर, और मैं लिख देता हूँ एंड मैन। ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये ड्रीमवीवर 2020 है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आर्टिकल ले लिया, ये मैंने आर्टिकल बंद किया और देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल ऐसे बंद हो गया। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और देखिए पैराग्राफ में ले लेता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट डमी टेक्स्ट ले लिया, इसको सेव किया और देखिए यहाँ पर जाकर देखें तो देखिए ये डमी टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको जो मेन है, मेन का वहाँ पर बॉर्डर डिसाइड कर लेता हूँ CSS में। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, इसको सेव करके और यहाँ आते हैं और यहाँ पर जाकर मैंने डॉट मेन लगाया और इसका मैंने जो है बॉर्डर दे दिया BORDER बॉर्डर, और मैंने दे दिया 5 pixel सॉलिड और रेड कलर, ठीक है ये मैंने दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर आया तो देखिए ये यहाँ पर 5 pixel सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर आ गया। अब एक बात देखिए, यहाँ पर आपके ये जो विड्थ थी ऑटोमेटिक ब्राउजर के विंडो के बराबर इसमें विड्थ आ गई। तो जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है वो अपने आप एलिमेंट ले लेता है या ब्राउजर उसको एलिमेंट को ऑक्यूपाई कर देता है, इसे हम ऑटो विड्थ कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑटो होती है कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी से इसको डिसाइड अगर करना चाहें तो हम उसमें यूनिट बताते हैं कि भाई जैसे पिक्सल में लेना है, परसेंटेज में लेना है या सेंटीमीटर, इसके अलावा और बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑटो विड्थ है और इसके अलावा हम इसको बताते हैं कि कितनी विड्थ चाहिए। तो देखो कैसे काम करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं और देखो इसमें मेन में हमने बताया कि भाई विड्थ कितनी चाहिए, तो हमने विड्थ दे दी इसकी। जैसे मान लीजिए मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ 900 pixel, मैं 900 पिक्सल इसकी विड्थ दे रहा हूँ, और 900 पिक्सल विड्थ करने के बाद जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ चलता हूँ, देखो 900 पिक्सल विड्थ इसकी हो गई, देखिए यहाँ पर। तो और अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं मार्जिन वाले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि इसको सेंटर में कैसे लाते हैं। तो देखिए सेंटर में लाने के लिए हम मार्जिन सेट करेंगे। तो मार्जिन मैंने क्या काम किया, मैं ऊपर से टॉप से 50 pixel ले लेता हूँ इसका मार्जिन 50 pixel, और राइट से ऑटो कर देता हूँ, ऑटो का मतलब सेंटर में आ जाए, अपने आप एडजस्ट कर ले, और बॉटम से 0 pixel कर देता हूँ कोई मार्जिन ना हो, और फिर राइट से लेफ्ट से ऑटो कर देता हूँ, लेफ्ट से ऑटो। तो ये मैंने मार्जिन कर दिया, देखिए ये सेंटर में आ गया, ऊपर से 50 pixel मार्जिन हो गया, इधर से ऑटो, इधर से ऑटो, अपने आप डिसाइड कर लेगा ये, और नीचे जो है वो 0 मैंने रहने दिया। अब इसका जो ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, मैं टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं बॉडी में ही यहाँ पर मैं बॉडी लिख देता हूँ बॉडी, और बॉडी में मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 24 pixel, 24 pixel दे दिया, सेव किया, यहाँ जाके देखें तो इसका साइज बढ़ गया। अब आप ये देखिए कि इसकी जो विड्थ है ये है 900 pixel, 900 pixel विड्थ है, लेकिन जो विड्थ है वो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर अलग से ऐड हुआ होगा, समझ रहे हैं, बॉर्डर अलग से ऐड हुआ होगा। मैं इसमें आपको
देखिए इसको डिटेल में समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ कि एक इसके अंदर मैंने क्या काम किया था, एचटीएमएल में एक आर्टिकल बनाया था। तो इसके अंदर मैं मेन के अंदर आर्टिकल ले लेता हूँ और आर्टिकल की विड्थ को डिसाइड करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करती है। तो चलिए हम इसमें चलते हैं और देखो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन था, मेन मैंने 900 पिक्सल कर दिया, सेंटर कर दिया, ओके। अब हम आर्टिकल देखते हैं, डॉट मेन, और मेन के अंदर है आर्टिकल, आर्टिकल है मेन के अंदर, और हम इसमें चलते हैं। अब आर्टिकल को हम विड्थ बताते हैं, WIDTH विड्थ। हमने विड्थ बता दी इसकी 900 पिक्सल। अब 900 पिक्सल विड्थ हमने बताई, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर BORDER, बॉर्डर बॉर्डर दे दिया मैंने 5 पिक्सल सॉलिड, और इसमें दे दिया मैंने ग्रीन, ग्रीन कलर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर। अब देखिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अब जब हम वहां चलते हैं, देखिए यहां पर, तो देखो ये क्या हुआ, बॉर्डर देखो थोड़ा सा, ये तो अंदर है लेकिन ये बाहर आ गया। देखो बॉर्डर ये बाहर क्यों आया, क्योंकि जो ऊपर पीछे रेड कलर का बॉर्डर है, ये इसकी जो कंटेंट था, कंटेंट का साइज इसका 900 है पिक्सल। अब जो ग्रीन कलर का जो हमने बॉर्डर दिया, ये आर्टिकल को दिया, तो आर्टिकल का साइज भी 900 पिक्सल है, लेकिन 5 पिक्सल, और देखो ये 5 पिक्सल इधर बॉर्डर और 5 पिक्सल इधर, ये 10 पिक्सल बाहर आ गया बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर जो है वो कंटेंट के साइज से बाहर जाएगा। मैंने जो बताया था कि वो जो हम साइज देते हैं, विड्थ देते हैं, वो बॉर्डर और मार्जिन पैडिंग जो है वो बाहर चले जाते हैं, वो उसके विड्थ के हिसाब से, विड्थ तो कंटेंट का रहता है, ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इतना इसका विड्थ को कम करना होगा, सोच करके यार कितना विड्थ होना चाहिए। तो देखो 5 पिक्सल और 5 पिक्सल 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल में इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं हम 890 पिक्सल, और देखो यहाँ पर चलते हैं, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये जो बॉर्डर था वो सेंटर में अंदर आ गया। तो ऐसे हम जो है बॉर्डर और मार्जिन अगर देंगे, पैडिंग देंगे, तो उसकी विड्थ भी हमें उतनी कम करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अब आप ये समझिए कि अगर मैं इसमें पैडिंग दे दूँ और मार्जिन दे दूँ, देखो क्या होने वाला है। मैंने दे दिया यहाँ पर, देखिए मार्जिन, मैं मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन मैंने दिया 10 पिक्सल, मार्जिन मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल मार्जिन चारों तरफ से आ गया। अब जैसे ही 10 पिक्सल मार्जिन देंगे, तो देखो ये इतना इधर तो आ गया, लेकिन देखो इधर भी बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल इधर और 10 पिक्सल इधर, तो 20 पिक्सल हो गया। तो 20 पिक्सल और कम कर देंगे इसका साइज। तो देखो हम क्या करते हैं, 20 पिक्सल और कम करेंगे तो 870। ये आप ध्यान रखें इस चीज को कि आप उसका साइज अगर मार्जिन और पैडिंग देते हैं तो उसको उतना कम करना पड़ेगा साइज। तो देखो अब ये एक्यूरेट जहां पर हमें चाहिए था वैसे ही आ गया। अब मुझे थोड़ा सा ये जो है टैक्स इसके अंदर को भेजना है, तो टैक्स को भी मैं यहां पर अगर पैडिंग दूंगा तो उसका भी मुझे साइज कम करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो मतलब इधर उधर साइज भाग जाता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। 10 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दिया, तो 10 पिक्सल पैडिंग दूंगा, इसके बाद यहाँ आऊंगा, देखो फिर से साइज भाग गया, तो अब मुझे 20 पिक्सल और कम करना पड़ेगा साइज। तो ये आप ध्यान रखें कि इस तरह से आपको इसकी विड्थ का साइज भी कम करना पड़ता है अपने कंटेंट के हिसाब से, जितना पैडिंग मार्जिन देते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया 50, 850, 20 पिक्सल और कम किया, तो देखो यहाँ पर आए। अब देखो ये एक्यूरेट आ गया, क्योंकि पैडिंग भी इसमें इंक्लूड होगी, पैडिंग, अब पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब चीज़ें हमें इसके साथ इंक्लूड हो जाती हैं, वो विड्थ बढ़ा देती हैं। इससे हमें कंटेंट के हिसाब से कंटेंट का साइज कम करना होता है, क्योंकि उसका भी साइज हमें लेना होता है, समझ गए ना आप। तो इस तरह से ये होता है कि आप किसी कंटेंट के साथ हम विड्थ को कैसे एडजस्ट करें। अब देखो एक चीज़ और इसमें मैं अब इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको, तो इमेज को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ मैं आर्टिकल में, आर्टिकल से पहले इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर, और मैं लगा दिया देखो IMG, और यहाँ पर गए सोर्स में, मैंने लगाया इमेज, और इसमें मैंने मॉनिटर की इमेज लगा दी, सेव किया। यहाँ पर आके देखें तो कोई इमेज लग गई। अब ये इमेज जो है बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होगा, जितनी विड्थ होगी वो इसने ले ली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी 100% हो जाए, पूरी 100% फुल आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा, और अब देखिए हम इमेज में लगाते हैं, यहाँ पर आए तो मैन के अंदर है डॉट मैन और IMG, और यहाँ पर आए, और मैं विड्थ अगर यहाँ पर कर दूँ इसकी विड्थ 100%, तो देखो क्या होने वाला है। 100% विड्थ करते ही सेव करें, यहाँ पर आए, तो देखो 100% विड्थ से पूरे 100% विड्थ आ चुकी। लेकिन अगर 100% विड्थ को आप इसमें थोड़ा सा, जैसे ये साइडों से है, मार्जिन देते हैं,
इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं तो देखो क्या होने वाला है। जैसे मार्जिन देंगे तो ये बाहर निकल जाएगी, देखो 100% से। अब मैं इसमें देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल, देखो क्या होने वाला है मार्जिन। अब देखो हमने दे दिया यहाँ पर मार्जिन और 10 पिक्सल हम मार्जिन देते हैं। देखो ऐसे जैसे हम 10 पिक्सल मार्जिन देते हैं यहाँ जाएंगे तो देखो ये जो है ना इधर से मार्जिन नहीं आया, ये थोड़ी बाहर निकल गई। तो हमें क्या करना हुआ, पिक्सल में डिसाइड करना हुआ कि 900 पिक्सल जो है हमारा मेन की विड्थ है और इमेज की जो विड्थ है वो 100% ना करके हम 900 के हिसाब से 20 पिक्सल कम कर देंगे, यानी कि 880 हम कर देते हैं 880 पिक्सल। तो 880 पिक्सल हमने कर दिया और हम सेव करके यहाँ आते हैं, देखो 10 पिक्सल मार्जिन भी आ गया और देखो ये ऐसे एडजस्ट हो गया, समझ गए आप। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैडिंग या मार्जिन नहीं देना है तो 100% इमेज को करके ही एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जो कंटेनर है आपका उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी 100%, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि 50% हम करके देखते हैं, 50% क्या ये एडजस्ट होता है साइडों में या नहीं होता, तो देखो कैसे हम इसे डिसाइड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ आर्टिकल का विड्थ में कर देता हूँ 50%, मैंने कर दिया 50%, देखो यहां पर आए 50%, और मैंने इमेज का इमेज की विड्थ भी 50% कर दी 50%। और इसके अलावा मैं इसमें इनको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो मैंने क्या कर दिया देखो फ्लोट लेफ्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ और नीचे वाले में भी फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, ये मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब हम सेव करके चलते हैं इधर, तो देखो 50 पिक्सल जो हमने किया है तो देखो ये अभी भी यहां पर नहीं आया क्योंकि ये इसमें पैडिंग मार्जिन वो भी इंक्लूडेड है, अगर हम उनको खत्म करेंगे तभी इधर आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें कि जो हमारा मेन था वो ऊपर चला गया, क्योंकि जब हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो कंटेनर जो है वो या तो वो भी फ्लोट लेफ्ट हो तभी वो पूरे साइज के हिसाब से अपनी पोजिशन को कंटेंट के हिसाब से रखता है, लेकिन अगर वो फ्लोट लेफ्ट नहीं करते हैं आप और उसको मार्जिन ऑटो करके रखते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। इसके लिए जब हम कभी वेबसाइट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे। अभी तो फिलहाल क्या है कि मैं आपको सिर्फ ये विड्थ को समझाने के लिए मैं इसको करके दिखा रहा हूं, तो इसको आप भूल जाएं कि ये क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को छोड़ दें। अभी आप जो मैं विड्थ समझा रहा हूं, अभी जो मैं विड्थ समझा रहा हूं उसको समझें, ठीक है। तो चलिए मैं विड्थ को समझाता हूं आपको यहां पर। अब देखो जो चीज़ें थी उसको 50% के हिसाब से कि भाई हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो इनको मार्जिन पैडिंग बॉर्डर सब हटा दें आप, तो ये 50% के हिसाब से सेंटर में लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर आप मार्जिन पैडिंग सब नहीं हटाएंगे तो इसको बताना पड़ेगा कि इतने पिक्सल होना चाहिए, इतने पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको पैडिंग मार्जिन को हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो सब बॉर्डर मैंने हटा दिया इसका भी और इसका भी, मैंने देखिए ये मार्जिन हटा दिया। अब मैं सेव करके देखता हूँ तो ये अब देखो फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट में आ गया कंटेंट। अब मैं इसमें थोड़ा सा इस वाले में इसमें थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ, पैडिंग जैसी भी पैडिंग दूंगा देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसमें पैडिंग दिया आर्टिकल में, मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल पैडिंग, तो 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल हो जाएगा। अब हम सेव करें तो देखो भी नीचे आ गया। अब क्या करते हैं इसको जो है पिक्सल में हमें देना पड़ेगा। अब इसको तो 50 पिक्सल रहने दीजिए, 50% रहने दीजिए, 50% का मतलब हो गया 450, यानी 900 पिक्सल का आधा 450 पिक्सल, और तो इसको हमें 20 पिक्सल और कम करना पड़ेगा 450 में, तो 450 से 20 कम करें तो हो गया 430 पिक्सल। और अब हम इसको सेव करके इधर जाके देखें तो ये अब आगे लेफ्ट में, तो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि किस तरह से ये लेफ्ट में आएगा, कैसे कहाँ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले का मैं इसमें जो है यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, ये जो था देखो ये आपको इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम विड्थ बताएं तो उसके विड्थ में उसके मार्जिन और पैडिंग को भी इंक्लूड करके तब हम उसकी विड्थ बताएंगे कि टोटल विड्थ जो है वो मार्जिन पैडिंग भी अपने आप में उसमें विड्थ को जोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो गाइस ये विड्थ का कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो आप नॉर्मली विड्थ को यूज करते ही थे लेकिन आज मैंने आपको विड्थ में इन चीज़ों का भी पार्ट होता है ये मैंने आपको बताया, किस तरह से हम हैंडल करते हैं, किस तरह से हम लगाते हैं विड्थ को। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें, और गाइस अगर आपने कुछ कहना है कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।